कि 1920 में जब दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्चर टेस्ट हुआ V1, जो जर्मनी ने किया, उसके जो निर्माता थे वैन ब्राउन, उन्होंने ये कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने बहुत हद तक वैमानिक शास्त्रों को स्टडी करके बनाई। विज्ञान ने ये पता किया कि एक बड़ी चीज छोटी चीज को कंट्रोल करती, जिसे विज्ञान मानता है सिंक्रोनिसिटी। ये जो पानी है ये बड़ा विचित्र है, किसी मिरेकल से कम नहीं। इस ब्रह्मांड में जो भी कॉस्मिक गतिविधियां हो रही है उसके कारण इस पृथ्वी के जो पानी है उसमें सबसे ज्यादा जल्दी परावर्तन आप पाएंगे। निसर्ग जैसे जैसे तकलीफ में आ रहा है, उसी तरह से मनुष्य भी अपने से तकलीफ में आ रहा है। निसर्ग जिस तरह से पॉल्यूटेड होगा, इंसान भी उसी तरह से पॉल्यूटेड होगा, क्योंकि तुम बने हो इसी तत्व से। कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर पहले विमान उड़ते थे, और बहुत से लोगों को यह सवाल है कि अगर विमान उड़ते थे तो गए कहाँ? अगर विमान उड़ते थे तो गए कहाँ? कोई भी पोर्शन, कोई भी पुर्जा, कुछ भी मिलता क्यों नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1870 के आसपास गुजरात के एक मंदिर में किताब मिली जिसे कहा जाता है वैमानिका शास्त्र। ये ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखी गई किताब थी, जिसे भारद्वाज संहिता कहा जाता है। ये किताब बाद में यूके ट्रांसफर हुई, जर्मनी तक गई और वहां पर ही इसका ट्रांसलेशन हुआ। और आज भी इंडिया में जो इसकी कॉपी है वो वही से पब्लिश है, वहां पे जो ट्रांसलेशन हुआ उसके हिसाब से ही पब्लिश है। ओरिजिनल जो प्रिंट आउट है वो इंडिया में किसी को नहीं पता कहाँ। मजे की बात यह है कि इसमें तीन प्रकार के अलग अलग विमानों के बारे में जानकारी है, और सिर्फ ना जानकारी है बल्कि ये भी जानकारी है कि किस तरह से बनाया जाए, और उसका पूरा का पूरा अवलोकन है। हद तब हुई कि जब ये पता चला कि 1920 में जब दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्चर टेस्ट हुआ V1, जो जर्मनी ने किया, उसके जो निर्माता थे वैन ब्राउन, उन्होंने ये कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने बहुत हद तक वैमानिक शास्त्रों को स्टडी करके बनाई। हद तब हुई। अब मजे की बात अगर मैं तुमको बताऊं कि इसके बाद हमारे देश में पूरे के पूरे विमानों को रद्द क्यों किया गया, क्योंकि पता ये हुआ कि जब विमान चलते थे, जब वो आकाश में उड़ते थे, तो प्रॉब्लम यह होता था कि आकाश की जो स्थिरता थी वो कहीं पे वाइब्रेट हो जाती थी, आकाश की जो स्थिरता थी वहीं पे कहीं पे पोल्यूटेड हो जाती थी। उससे उन लोगों ने कहा कि ईथर डैमेज हो जाता था आकाश, मतलब आकाश की जो प्राण ऊर्जा है उसमें डैमेज आ जाता था। और हुआ ये कि जहां जहां पर विमान उड़ते थे वहां के लोगों की दिमाग की जो शांति थी वो कहीं पे खो गई, वो पागल के जैसे करने लगे। वो विमान जहां भी उड़ता था उसके नीचे रहने वाले जो लोग थे उनके जीवन से शांति कहीं पर गायब हो गई, वो दिमागी तौर से बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए, बहुत सारे विचार, बहुत सारी परेशानी। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पृथ्वी पर रोज 30,000 से भी ज्यादा प्लेन्स उड़ते हैं पूरी दुनिया में, और जब ये उड़ते हैं तो आप पाएंगे कि दुनिया का हर आदमी बहुत बड़े पैमाने पर अनसेटिस्फाइड है पिछले 100 सालों में। तुम चाहे विज्ञान को इसका नाम दो, लेकिन जो जानने वाले हैं, जो गहरे जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि निसर्ग जैसे जैसे तकलीफ में आ रहा है उसी तरह से मनुष्य भी अपने से तकलीफ में आ रहा है। निसर्ग जिस तरह से पॉल्यूटेड होगा इंसान भी उसी तरह से पॉल्यूटेड होगा, क्योंकि तुम बने हो इसी तत्व से। हम सब जानते हैं कि हम 5 चीजों से बने हैं, 5 महाभूतों से बने हैं। अगर ये बड़ी चीज प्रभावित होगी तो ये छोटा सा हिस्सा जो है जो उसी से बना हुआ है ये भी प्रभावित होगा, जिसे विज्ञान मानता है सिंक्रोनिसिटी। विज्ञान ने यह पता किया कि एक बड़ी चीज छोटी चीज को कंट्रोल करती है। ये उसी तरह से है कि एक बड़ा मैग्नेट और छोटा मैग्नेट आप रख दो, ये छोटा मैग्नेट बड़ी मैग्नेट की ओर खींचा चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो इससे ज्यादा है, और इसका प्रभाव इस पर होगा, ना कि इस छोटे वाले का प्रभाव बड़े वाले। विज्ञान ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए कि बड़ी बड़ी वॉचेस एक दीवार पर लगाई, बहुत बड़ी, 5 फुट 6 फीट की, और बाथरूम में एक छोटी सी 6 इंच की वॉच लगा दी, और जो छोटी वॉच थी वो 2-3 मिनट पीछे रखी बड़े वॉच से। समय के साथ एक दिन के बाद उन्होंने पाया कि जैसे बड़ी वॉच चल रही है ना, एग्जैक्टली छोटी वॉच भी चल रही है। इसको कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। वैज्ञानिकों ने जब इसका कारण ढूंढा तो उन्हें पता चला कि ये जो दीवार है इसी के द्वारा उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है छोटी चीजों तक। तो ये जो छोटा सा शरीर है जो इन पंच महाभूतों से बना है, जब ये पंच महाभूत हमारे आसपास के डैमेज होंगे तो ये शरीर भी कहीं ना कहीं पे इसका इफेक्ट आएगा। अब मजे की बात यह है कि ये पंच महाभूत सिर्फ डैमेज हम निसर्ग के द्वारा नहीं हो रहे, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है पानी। ये दुनिया का हर आदमी जानता है कि जब जब सूर्य जो है निकलता है और डूबता है उसी के कारण हमारे यहाँ पे बाष्पीभवन होता है, बारिश गिरती है, यह सारी चीज हम ये सब जानते हैं। कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब इन सूर्य ग्रहणों के वक्त होता यह है कि ये जो प्राणी है, पक्षी है, ये अपने से
अपने से कहीं पर लुप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे। मतलब उन्हें भी इतना सेंस है कि निसर्ग के बाहर क्या हो रहा। आप पाएंगे कि सबसे बड़ी जो चीज है वो चंद्रमा से जुड़ी हुई है, और वो ये है कि जो चांद है वो हमारे जीवन का केंद्र माना गया है, हमारे शरीर पर का बहुत बड़ा उसका केंद्र है, हिस्सा है। ये हर बच्चा जानता है, हर बच्चे को किताब में सिखाया गया है कि चांद प्रभाव डालता है समुद्र पर, चांद प्रभाव डालता है समुद्र की, कहते हैं ना कि भर्ती और ओहोटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइड्स पर, समुद्र की पूरी गति पर चांद का कंट्रोल है। चांद के कारण ही समुद्र का तल मेंटेन है, ये हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। जब इस पर और रिसर्च हुई तो पता चला कि बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं समुद्र की जो जब चांद के कारण पानी चढ़ता है, जब टाइड आती है, तो उसी वक्त ऐसी बहुत सी मछलियां हैं, बहुत से जीव है, कछुए हैं, ये है, ये समुद्र के पास आकर अपने अंडों को देते हैं और वापस निकल जाते हैं। मजे की बात तब हुई जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि हो सकता है कि भाई समुद्र में जो हलचल पैदा हो रही है उसके कारण हो रहा, तो उन्होंने उन जीवों को लिया और तालाब में डाल, वहां पे भी वैसा ही हुआ। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि जो चांद दिख रहा है उनके आंखों से दिखता होगा, इसलिए होता होगा। तो उन्होंने बंद कमरे में इसको करके देखा, एक अलग से एक्सपेरिमेंट एक छोटे टब में डालकर देखा, जो पैक है, जो बंद है, तो उन्होंने पाया कि उनका बिहेवियर वहां भी सेम। अंतिम वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंचे कि जरूर इनके शरीर में कुछ इस तरह की चीजें होगी जिसके कारण वो चांद से रिलेटेड जो चांद की मूवमेंट है उसको फील कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े पंछी है वो साल के कुछ वक्त देश भर में नहीं दुनिया भर में ट्रैवल करके कहीं दूसरी ओर जाते हैं। ये मूवमेंट सबने देखे है, इसके बारे में दुनिया भर को पता है, और ये सब जानते हैं कि उन्हें कोई नकाशा नहीं पता, लेकिन फिर भी पृथ्वी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है उसके द्वारा वो खुद ट्रैवल करते हैं। मतलब ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, अगर हमारी पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो अगर किसी पंछी को कैप्चर कर सकती है, उसे जीवन के रिलेटेड चीजें बता सकती है, तो और साथ ही साथ जो समंदर में रहने वाले जीव है उसे चांद के प्रभाव अनुभव हो रहे हैं, चांद के प्रभाव के कारण उनका जीवन निर्मित है, चांद के प्रभावों के कारण उन्हें यह समझ आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इंसान के साथ हुआ क्या। अगर हम पानी को देखें तो आप पाएंगे कि पानी इस पृथ्वी पर जितना है उतना ही हमारे शरीर में, करीब करीब 70% पानी, करीब करीब कहूंगा मैं, करीब करीब 70% वाटर इस पृथ्वी पर है, ऐसा हम मानते हैं, चाहे वो समंदर हो, तालाब हो, नदियां हो, किस भी फॉर्मेट में, और उतने ही अनुपात में हमारे शरीर में भी पानी है। हो सकता है 1-2% कम हो, उसमें तुम झगड़ो मत, झगड़ना है तो झगड़ो, लेकिन कहने की बात कि अगर करीब करीब 70% पानी भी इंसानी शरीर में आता है, इसकी हद तुम समझो। अगर ये चांद किसी भी पानी पर अपना प्रभाव डालता है तो ये इंसान पे भी डालेगा, इंसानी शरीर पर भी इसका काबू होगा, इंसानी शरीर पर भी इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जाएं काम करेगी। और मजे की बात यह है कि अगर आप स्त्री के गर्भ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्त्री यो को जो पीरियड्स आते हैं वो 28 डेज के अंतराल में ही आते हैं, जो पूरी तरह से चांद के ऊपर डिपेंडेंट है। जो चांद है वो पृथ्वी के आसपास 28 डेज में रिवॉल्व करता है, घूमता है, एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है, और किसी भी महिलाओं को 28 दिन के बाद ही पीरियड्स आते हैं, बराबर 28 डे का ही उनका पीरियोडिक टेबल होता है। ये पूरी तरह से चांद पर डिपेंड करता है। जो लोग इसको जानते हैं वो जानते हैं कि चांद की गति ही हमारे गर्भ की गति है, चांद की गति के कारण ही स्त्री का जो गर्भ है वो सुरक्षित है, या उसकी मूवमेंट उस चांद की ऊर्जाओं पे डिपेंडेंट है। इसलिए तो हमारे यहाँ पे बड़ी पुरानी पद्धतियां है जिसमें कहा गया है कि चांद मामा, सूरज को मामा नहीं कहा गया, ना सूरज को किसी ने पिता कहा, लेकिन चांद को, स्पेशली चांद को छोटे बच्चों को कहा जाता है कि ये तुम्हारा मामा है। ये इसी तरह से है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से एक गर्भवती महिला जब अपने घर पे जाती है डिलीवरी के लिए और उसका भाई उसका ख्याल रखता है, उसी तरह से उस गर्भ का जो ख्याल रख जिस ग्रह ने रखा, उस गर्भ का ख्याल जिस ऊर्जाओं ने रखा, वो चांद से जुड़ी हुई। क्योंकि उसका रीजन भी एक बड़ा प्यारा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना तो वो ऐसा ही नहीं रहता है, वो पानी में होता है, गर्भ में पानी होता है जिसके भीतर बच्चा होता है। अगर पूरे के पूरे पानी पर अगर चंद्र का प्रभाव है तो स्त्री के गर्भ में जो पानी है बच्चे के साथ उस पर भी उसका प्रभाव होगा। दुनिया भर में ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और पता चला कि पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा लोग पागल होते हैं। जो पागल खाने में
आप अगर जाएंगे और पता करेंगे तो आप पाएंगे कि पूर्णिमा के दिन ना लोगों को हाइपर एक्टिविटी हो जाती, और अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा लोग अच्छे हो। ये हो किसके कारण रहा? ये तुम्हारे शरीर के जो पानी तत्व बदल रहा है चांद के साथ, ये उसके कारण ही हो रहा। वैज्ञानिकों ने पानी पर और ज्यादा स्टडी की और पता चला कि ये जो पानी है ये बड़ा विचित्र है, किसी मिरेकल से कम नहीं। अभी रिसेंट जो स्टडीज हुई उसने पता किया कि जो पानी है इसको चार्ज भी किया जा सकता है, उसके भीतर क्रिस्टल्स बनते हैं मंत्र के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा, अफर्मेशंस के द्वारा इसे चार्ज किया जाता है। सर्टन क्रिस्टल्स इसमें कन्वर्ट होते हैं जिसे -33 टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल्स बनते हैं अलग अलग तरह से। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वाटर क्रिस्टल्स पे काम किया है। आप दुनिया भर में पता कर सकते हैं कि किस तरह से वाटर थेरेपीज जो दुनिया भर में काम करती है वो क्या है। लोग क्या करते हैं, सर्टन टाइप ऑफ वाटर चार्ज करते हैं एक फीलिंग के साथ, एक क्रिस्टल के साथ, एक मंत्र के साथ, और उसे वो यूज करते हैं। इस चीज को वो बहुत लोग मानेंगे जो होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं। होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से वाटर क्रिस्टल्स को जनरेट कर किसी की तबीयत पर हम इफेक्ट डाल सकते हैं, किस तरह से वाटर क्रिस्टल्स की मदद लेकर हम किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, उस पानी को उसके शरीर में डालकर उसके जीवन को बदला जा सकता है, उसकी सोच को बदला जा सकता है। पिछले कुछ शताब्दी में वाटर क्रिस्टल पर बहुत काम हुआ, स्पेशली फ्रीक्वेंसीज के द्वारा, कि किस तरह से सर्टन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज पानी को चार्ज कर रही है। और तब वैज्ञानिक ये समझे कि अगर सर्टन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज पानी को चार्ज कर रहे हैं तो वो ऊर्जा जिनके ऊपर ये पानी पूरी तरह से संचालित है, क्या उस ऊर्जा के कारण भी इस पानी में किसी तरह के क्रिस्टल से किसी तरह की एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है? और जब उन्होंने ये पता किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, इस ब्रह्मांड में जो भी कॉस्मिक गतिविधियां हो रही है उसके कारण इस पृथ्वी के जो पानी है उसमें सबसे ज्यादा जल्दी परावर्तन आप पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि 2020 में जब कोरोना आया था ना, तब महाराष्ट्र में एक लेक है जो इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस लेकों में से एक है, वो है लोनार। सब जानते हैं लोनार लेक, सब जी सुना है, बुल्ढाना जिले में। तो बहुत बड़ा एक तालाब है जो कहते हैं कि मिटियोर के गिरने से हुआ। अब मजे की बात यह है कि ये जो पानी है ये पीने योग्य नहीं, ऐसे नॉर्मल पानी। लेकिन जब कोरोना आया मार्च 2022 में, और उसके बाद हुआ ये कि उसके कुछ दिनों पहले ही सन से एक सनस्ट्रॉम निकला, बड़ा सनस्ट्रॉम था। और ये पिछले 2-3 सालों में तो सनस्ट्रॉम बहुत बड़े पैमाने पर पैदा भी, दो सनस्ट्रॉम आ चुके। और इन सनस्ट्रॉम के साथ आप पाएंगे कि पृथ्वी की जो गतिविधियां है वो बदली। अब कोई इसको इस तरह से ना ले कि मैं ये कह रहा हूं कि सूरज पर गतिविधियां हुई या सूरज से सनस्ट्रॉम निकला इसलिए पृथ्वी पर कोरोना आया, ऐसी बेवकूफी मत समझ लेना। मैं ये कह रहा हूं कि गतिविधियां जो बढ़ी वो इन बाहर की ऊर्जाओं के कारण और बढ़ी। मजे की बात यह है कि अगर आप थोड़ा भी न्यूज को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सोनार, ये जो जो लोनार सरोवर है ना, ये कोरोना के बाद 1-2 महीने के बाद ही अप्रैल महीने में पूरा का पूरा पिंक हो चुका। और ऐसे दुनिया भर के कई तालाबों के साथ हुआ, क्योंकि ये पॉपुलर था इसलिए इसके बारे में बहुत चर्चाएं हुई। और मजे की बात यह है कि टेलीविजन वालों ने 2 दिन दिखाकर खत्म कर दिया। वैज्ञानिकों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, कुछ थोड़ा मोटा जियो साइंस को स्टडी करने वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा कि ये कोई बैक्टीरिया के कारण हुआ, फलाना हुआ, ठीक है। सवाल यह है कि ये बैक्टीरिया आया कहां से, और सवाल यह है कि ये ऐसा कैसा बैक्टीरिया है कि इसने पहले बार पूरे के पूरे तालाब को पिंक कर दिया, और वो भी एक रात में। और अगर कर दिया तो गया का वापस से कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये नॉर्मल कैसे हुआ, वो बैक्टीरिया गया कहा? और अगर वो गया तो फिर वापस क्यों नहीं आया हर साल? ऐसे कई सवाल वो अपने पीछे छोड़ जा रहा। लेकिन इसके जो मुख्यतम कारण है वो कुछ अलग है, वो कभी हम मिस्टीरियस चीजों पे बात करेंगे तब हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर ऊर्जाएं छोड़ रही। वैज्ञानिकों ने यही पाया कि जब जब सूरज पर सौर डार्क बढ़ते हैं, सनस्पॉट्स बढ़ रहे हैं, तब भी पृथ्वी पर जो बीमारियां है वो बढ़ रही। वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जब जब सूरज पर सनस्ट्रॉम बढ़े और सूरज पर सनस्पॉट बढ़े, तब तक पृथ्वी की हालत तकलीफ देने वाली थी। आप जानकर हैरान होंगे कि अबले 1 साल पहले सन पर एक सनस्पॉट बना जो पृथ्वी के साइज से भी बड़ा था। और इसलिए आप पाएंगे कि इस साल जो हमारी पूरी की पूरी हालत है बीमारियों की वो बहुत बड़ी है। किसी को भी अगर कोई बीमारी हो रही है तो बड़ी लंबी टिक रही है, किसी को अगर कोई सर्दी भी हो रही है, कोई वायरस भी हो रहा है,
पहले ऐसा होता था कि अगर किसी को वायरल बीमारी हुई तो वो एक दिन में अच्छा हो जाता था। अभी आप पाएंगे कि ये बड़े लंबे समय तक टिक रहा है। मैं आपको बोलूं ये अगले साल नहीं होगा, मैं लिख कर दे सकता हूं इस चीज। तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो बहुत सारी चीजें तुम पता कर पाओगे। मैं ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूं तुम्हें सिर्फ। मुझे ये कोरोना फोरना का वायरस कहां से आया और ये किसने, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हम जो अभी फिलहाल बात करें ये ज्योतिष के ऊपर है। ज्योतिष ये मानता है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है और इस ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों का इस पृथ्वी पर पूरी तरह से इफेक्ट होता है। और अगर हम पूरे की पूरी इवेंट्स को देखें तो ये बराबर से कैरी आउट हो रहे। आप पाएंगे कि ये जो पृथ्वी पर जैसे ही बीमारियां बढ़ती है उसका मेन रीजन है सन स्पॉट्स। और ऐसा एक आदमी इस दुनिया पे हुआ भी 5 शताब्दी पहले, 500 सालों पहले एक आदमी हुआ जो एक स्विस एल्केमिस्ट था, उसका नाम था पेरिसेलस। आप अगर डालेंगे स्विस एल्केमिस्ट पेरिसेलस तो भी गूगल आपको इस इंसान के बारे में बता देगा। ये एक ऐसा बंदा था, ये बायोलॉजिस्ट था और इसने जो काम किया उसके बाद लोग इसे एल्केमिस्ट कहने लगे। एल्केमिस्ट का मतलब है किमियागार। लेकिन विज्ञान की शाखाओं में अगर आप पश्चिम के हिसाब से देखेंगे तो किमियागारों का वो मतलब आता है कि वो लोग जो अमृत बना सकते हैं, वो लोग जो पारे से सोना बना सकते हैं, या वो लोग जो अमृत बना सकते हैं। और इस इंसान ने ऐसा काम किया कि लोगों ने इसे एल्केमिस्ट कहा। ये बंदा बड़ा होशियार था। इसने ये पाया कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई, ये जो नवग्रह है, ये जो एक दूसरे से बांधे गए हैं, ये जो ग्रेविटी की पूरी इनकी श्रृंखला है जो ये एक दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे बहुत बड़े पैमाने पर परिणाम डालते हैं। ये वैसे ही है जैसे ये पता किया गया एक समय के बाद कि विशेष तरह के लोगों की पत्रिकाएं एक जैसी होती। जैसे अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उनकी पत्रिकाओं में बहुत सी चीजें सेम होंगी। अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसके पत्रिका में बहुत सी चीजें सेम होंगी। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनके किताब जो ये है पत्रिका है उसमें किसी एक विशेष ग्रह की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी या एक जो ग्रह है वो तीव्र होगा। अभी बीच में ऐसा हुआ था कुछ महीने पहले, बागतकर सर करके एक सर है, उनकी लड़की है साइली ताई की, यहाँ पे हम गए थे और उनके घर के पास एक उनकी कजन रहती है नेबर है, उनसे हम मिले थे। वो लेडी ऐसी थी कि उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो एजुकेशन लिया वो इंजीनियरिंग वगैरह कुछ लिया और उन्होंने जॉब भी करते थे। तब हुआ ये कि वो इतना डीपली मानते थे इस चीज को कि ये विज्ञान वगैरह जो है ज्योतिष शास्त्र का ये कुछ काम की बात नहीं है, ये तो बस अंधश्रद्धा है। तो इस चीज को गलत साबित कर इस चीज को सही साबित करने के लिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की स्टडी शुरू की। उन्होंने स्टडी सिर्फ इसलिए की ताकि ये पता चले कि ऐसे वो प्रूफ इकट्ठा कर पाए कि जिसके कारण ये प्रूफ हो पाए कि ज्योतिष शास्त्र झूठ। हम उनसे बीच में मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी समस्या ये है कि मैं पिछले 10 सालों से इस काम में हूं और 10 सालों से मैं बस इस तलाश में हूं कि कहीं पे कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि ये चीज काम नहीं कर रही है और हमेशा मैं फेल होती हूं। हमेशा मैंने यही पाया कि ये एग्जैक्टली काम करता है। हर इंसान के ग्रह पर, हर इंसान के जीवन में जिस तरह के ग्रह बताए गए हैं, जिस तरह की पत्रिका उसकी बनती है, उसका जीवन उसी तरह से संचालित हो रहा है, उसी तरह से उसके जीवन में घटनाक्रमों की निर्मिति हो रही है। और पिछले 10 साल मेरे निकल गए लेकिन मैं आज तक इस चीज को प्रूव नहीं कर पाई। तो दुनिया भर के अगर वो वैज्ञानिक आप पता करेंगे जिन्होंने इस पर वैज्ञानिकीय रूप से काम किया और वैज्ञानिकीय रूप से इसे पता करने की कोशिश की कि ये झूठ है, अंत में उन्हें इसी कंक्लूजन पर आए कि नहीं नहीं ये एक विज्ञान है जिसे हम अभी समझने की दशा में नहीं, हमारी बुद्धि अब इतनी तीव्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद को इतना विशेष और अलग समझे हुए हैं पृथ्वी के साथ कि हम इस चीज को समझ ही नहीं सकते कि ये बाहर के चांद सितारे भी हमारे जीवन पर केंद्रित होकर कुछ काम करेंगे। लेकिन हमारा आज तक का अनुभव यही है कि एक इतना प्रगत विज्ञान है जिसके बारे में पूरी तरह से समझ आज भी हमें नहीं। हम ये कह सकते हैं कि पुराने लोगों को इसकी इतनी समझ थी और उस तरह के जानने वाले, उतना डीपली जानने वाले लोग कहीं पे आज जा चुके, जो छोटा मोटा विज्ञान बचा है इसके रिलेटेड वो आज हमें पता है, हम उसके हिसाब से इस विज्ञान को आगे बढ़ा रहे। जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं वो ये है कि पेरिसेलस जो था, जो हम कह रहे थे ना कि जो पेरिसेलस है, ये पेरिसेलस बंदे ने पता ये किया था, वो अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती थी ना तो वो उसकी पत्रिका देखता, वो कहता था कि ये बीमारी फीमारी मत दिखाओ, पत्रिका दिखाओ। और वो पत्रिका देखता था और उस पत्रिका के हिसाब से वो देखता था कि किस ग्रह का परिणाम उसके जीवन पर फिलहाल है और उसके कारण उसे तकलीफ है,
और वो उस तरह की मेडिसिन उसे देता था एंड द पर्सन गेट किल्ड। कहते हैं 40,000 से भी ज्यादा लोगों को उसने पत्रिका देखकर सही किया, उसके बाद दवा देता, किसी को ये भी नहीं पूछता था कि भा समस्या क्या है। उसके बारे में जो लिखित है चीजें वो ये है कि कहते हैं कि ऐसी बीमारियां उसने सही की जिसके नाम तक उस वक्त नहीं, और जब लोगों को पता चला कि वो किस तरह से काम करता है तो उसने ये पाया कि हमारे जीवन में हमारे शरीर के भीतर सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं है, इसमें लोहा भी है, इसमें सोना भी है, इसमें जिंक भी है, कार्बन भी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें, चाहे वो छोटे प्रमाण में हो चाहे कम ज्यादा हो, लेकिन हमारे शरीर भी मिनरल से भरा हुआ है, राइट। उसने ये पता किया, उसने ये पाया अपने पूरे के पूरे स्टडी में कि जैसे सिंक्रोनिसिटी का नियम है कि एक बड़ी चीज छोटी चीज को कंट्रोल करती है, उसी तरह से ये जो ग्रह है इसमें किसी ना किसी चीज की मात्रा भरी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल शनि ग्रह है, उसमें लोखंड भरा पड़ा है, तो वो हमारे शरीर में एक जो छोटा सा लोखंड का हिस्सा है, हमारे शरीर में जो थोड़ा सा लोह है, उसे वो एनर्जी कंट्रोल करती है। अगर चंद्र है वो हमारे शरीर के पानी को कंट्रोल कर रहा है, अगर सूरज है तो हमारे शरीर के और खून को कंट्रोल कर, और भी इस तरह की चीजें, हर ग्रह हमारे शरीर के किसी ना किसी मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है। उसने यही पाया कि जब उस ग्रह की स्थिति बदलती है तब हमारे शरीर की जो वो मिनरल्स है जिसके ऊपर वो ग्रह काम कर रहा है वो कम ज्यादा हो रहा है। तो वो क्या करता था कि जैसे उसको 7:30 लगी या उस पर शनि का कोई प्रभाव है, ये हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसे अगर शनि का कोई प्रभाव है, शनि उसका खराब है, तो वो देखता था, वो पाता था, उसको पता था कि जैसे इस पर शनि का प्रभाव है इसका मतलब है कि इसके शरीर में लोखंड की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि इसके शरीर पर लोखंड की मात्रा बढ़ गई, लोह की मात्रा बढ़ गई इसके शरीर के भीतर की, इसलिए शनि ग्रह की ऊर्जा इसके भीतर इसके ऊपर ज्यादा काम कर रही, नॉर्मल से ज्यादा काम कर रही। तो वो क्या करता था, उसके खान पान में बदलाहट कर देता था, वो कहता था कि तुम लोखंड खाओ ही मत, आयन कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, जिससे आयन मिल सकता है वो कम से कम खाना, तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में उसके आयन की मात्रा अपने से शरीर के भीतर कम हो जाती थी और शनि ग्रह का प्रभाव उसके जीवन में कम। और अगर तुम उसके बारे में देखोगे भी, विकिपीडिया पे भी पढ़ोगे, तो तुम पाओगे कि नीचे वो चार्ट है जिसमें वो जिस हिसाब से वो खाना पान बताता था, वो देखता था कि इस ग्रह पर ये जड़ी ये सब्जी काम करती, इस ग्रह पर ये सब्जी काम करती, इस ग्रह पर ये सब्जी काम करती, ऐसा पूरा एक ग्राफ। और उस ग्रह के हिसाब से, उस पत्रिका के हिसाब से वो लोगों को खान पान देता था, और 40,000 से भी ज्यादा लोगों को बस उसने पत्रिका देख के अच्छा किया।